हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर या इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम डिस्कस किया था। आई थिंक पहले हमने ये डिस्कस किया था कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किस तरफ जाती है, जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो रहे हो, या इसी को ऐसे भी कह सकते हो, वॉल्यूम कम करने पर रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो रहे हो, और वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ गैसेस के मोल्स बढ़ रहे हो। फर्दर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आप किसी कंटेनर का टोटल प्रेशर बढ़ा रहे हो यानी वॉल्यूम कम कर रहे हो, तो चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए चाहे रिएक्शन बैकवर्ड में जाए, पार्शियल प्रेशर सभी के बढ़ते हैं। कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट करता है, राइट? तो यहां पर लिख भी सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्यों ऐसा होता है, उसको हमने एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से उसको नोट डाउन कर लो। एन इंक्रीज इन प्रेशर बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर एज वेल एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर सभी के बढ़ेंगे, और यही अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो सभी के पार्शियल प्रेशर या सभी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ठीक है? तो यहां तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब लास्ट क्लास में जो भी एग्जांपल हमने लिया था उसमें रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व थी, लेकिन क्या होगा अगर किसी रिएक्शन में कोई गैस ही ना इन्वॉल्व हो? तो यहां पर एक पार्ट पॉइंट आता है, इफ रिएक्शंस इन्वॉल्व only solids or liquids, या तो केवल solids और liquids ही अगर किसी reaction में involved है तो क्या होगा? जैसे एक simple सा केस दे लेते हैं, iron solid से iron gas, iron liquid, अगर हम pressure बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? अब यहां problem है, एक्चुअली जो के हमने डिफाइन किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें हमने कहा था अगर कोई सॉलिड है, प्योर लिक्विड है या सॉल्वेंट है, वो एक्सप्रेशन में आता ही नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखो तो वो आप नहीं लिख सकते, यानी ये रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम पर आएगी ये हमारी थ्योरी नहीं बता सकती, 10% कन्वर्ट होने पर, 20% पर, 30% पर नहीं पता, क्योंकि हमने जो थ्योरी हमने कंसिडर की उसमें ये क्लियर ही नहीं होते, एक तरह का ड्रॉबैक कह सकते हो आप, हमारी थ्योरी का एक ड्रॉबैक है। तो हमारी थ्योरी से हम ये नहीं बता सकते कि कब इक्विलिब्रियम आएगा 10% 20% 30% पर, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ली शेटेलियर प्रिंसिपल हम ये जरूर बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, ये हम यहां पर बता सकते हैं। वो कैसे? अब वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, ये अब हम यहां डिस्कस करने वाले, ठीक है? तो उसके लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर मैं इस पर आऊंगा। लेट्स से एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ, पूरा भरा हुआ लिक्विड। अब इमेजिन करो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई कि ये जो लिक्विड है ना वो एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। क्या होगा अगर लिक्विड एक्सपेंड होगा? तो कह सकते हो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, यानी अगर ये लिक्विड एक्सपेंड होता है तो प्रेशर बढ़ेगा, राइट? अब एक्सपेंड हो रहा है मतलब डेंसिटी कम ही होगी, डेंसिटी कम होगी, इसको यूज करते कम डेंसिटी, यानी एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा,
यानी एक पॉइंट यहां से निकल के आता है कि अगर कोई सब्सटेंस लेस डेंस हो रहा है, लेस डेंस, तो उसके कारण जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगेगा, यानी लेस डेंस मोर प्रेशर। More dense, less pressure. इसी तरह से सोचना आप, डायरेक्ट डेंसिटी को प्रेशर से रिलेट करना, डायरेक्ट डेंसिटी को प्रेशर से रिलेट करना, यानी थॉट इसी तरह से आना चाहिए, और किसी तरह से सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी स्टार्टिंग यहां से होगी, हमेशा एक कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड है, लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है, लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है, लिक्विड अगर एक्सपेंड होगा डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, यानी लेस डेंस मोर प्रेशर, मोर डेंस लेस प्रेशर। ओके, तो अब यहां पर उस चीज को मैं यहां यूज करूंगा। कैसे? हमने सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो एज पर ली शटलर प्रिंसिपल सिस्टम प्रेशर को कम करना चाहेगा। अब वो कम कैसे करेगा? वही फॉरवर्ड बैकवर्ड ले जाके, तो वो किस तरफ जाए ताकि प्रेशर कम हो जाए। तो यहां पर हमें प्रेशर को अब कम करना है, प्रेशर हमने बढ़ा दिया, अब हमें इस प्रेशर को कम करना है, प्रेशर कम करना है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? मोर डेंस की तरफ, यानी प्रेशर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जो मोर डेंस है उस तरफ जाएगी, मतलब बैकवर्ड, और यही प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। इसको लिख सकते हो आप यहां पर, एन इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स मोर डेंस सब्सटेंस, मोर डेंस सब्सटेंस उस तरफ रिएक्शन जाएगी जो कि ज्यादा डेंस है, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो। कह सकते हो ये ली शटलर का एडवांटेज है, यानी कुछ जगह पर आप कह सकते हो ली शटलर नहीं लगता है, लेकिन यहां पर ली शटलर से हम आंसर निकाल पा रहे हैं। बट इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, एक तो पहले मैं देखता हूं कार्बन ग्रेफाइट प्लस डायमंड कौन ज्यादा डेंस होता है। Yes, diamond is more dense. वैसे बहुत, तो ये बहुत obvious भी लगता है कि diamond ज्यादा dense होगा इस तरह से, लेकिन diamond is non, देखो एक तो costliest अलग चीज है, बहुत ऐसा लगता है costliest है तो सब diamond का ज्यादा dense भी ज्यादा होगा, तो ऐसा नहीं। diamond costliest है, hardest है, but costliest और hardest होने का मतलब ये नहीं कि ये dense भी होता होगा, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, ग्रेफाइट से ज्यादा डेंस होता है, बट ये रिलेशन जो है ना, ऐसा नहीं कि जो कॉस्टलीस्ट ज्यादा हो, हार्डेस्ट ज्यादा हो, डेंस ज्यादा होगा, इट इज नॉट ट्रू। अच्छी खासी एम्प्टी स्पेस होती है इसमें, अच्छी खासी एम्प्टी स्पेस होती है इसमें, मैं आपको बताऊंगा जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, बिकॉज ऑफ दैट ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। खैर, यहां पर डायमंड ज्यादा डेंस है, मोर डेंस इन फॉर्म, ये आपको एज अ फैक्ट पता होना चाहिए, ये ज्यादा डेंस है, तो यहां पर प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। इसीलिए नॉर्मली ये बहुत सेंटेंस यूज होता है कि डायमंड्स आर मेड अंडर प्रेशर, तो जनरली आता ना कि प्रेशराइज मत करो, प्रेशराइज मत करो, डिप्रेस हो जाते हैं उससे, तो जनरली उसको काउंटर करने के लिए ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि डायमंड्स आर मेड अंडर हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर लगता है तब डायमंड बनता है। एंड वन मोर एग्जांपल, H2O सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड, व्हिच इज मोर डेंस, H2O सॉलिड आइस या लिक्विड? यस, लिक्विड वाटर इज मोर डेंस। एक तो बिस्मथ और एक H2O, ये दो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी लिक्विड फॉर्म ज्यादा डेंस है, ये भी स्ट्रक्चर के कारण ही होता है। H2O का जो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो डायमंड लाइक होता है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। ऐसा बिस्मथ के केस में भी होता है, बिस्मथ की भी लिक्विड
फॉर्म जो है ज्यादा डेंस होती है, तो यहां पर अगर आप प्रेशर बढ़ा दो तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म होता है। बाकी जितने भी सब्सटेंस है प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड फॉर्म नहीं होता, लिक्विड सॉलिड में जाता है, बट इन केस ऑफ वाटर प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड बनता है, आइस मेल्ट हो जाती है। और यही कॉन्सेप्ट होता है जो आइस में हम स्कीइंग करते हैं ना, आइस में स्की जो की जाती है उसका पीछे लॉजिक यही है। आप जिन प्लेट्स पर खड़े होते हो ना उनके नीचे ब्लेड्स होती है, शार्प ब्लेड्स होती है, जब आप उन प्लेट्स पर खड़े होते हो तो आइस पर प्रेशर पड़ता है, आइस जो कांटेक्ट में आती है उस पर प्रेशर पड़ता है और उस वहां से आइस मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के कारण फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है जिसके कारण आप इजीली फ्लो करते हो, यानी मूव कर सकते हो। भाई सॉलिड सरफेस पर, ये आपके घर के फ्लोर पर क्यों स्कीइंग नहीं होती, क्योंकि यहां ये मेल्ट नहीं हो रहा जबकि आइस मेल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसीलिए आइस में स्कीइंग पॉसिबल है, बाकी जगह नहीं है। तो ये याद रखना, पर्टिकुलरली ये एग्जांपल, यानी आइस पर आप प्रेशर बढ़ाओगे, इसको मैं ऐसे भी पुट कर सकता हूं 270, आई थिंक सबको पता है 270 केल्विन पर आइस मेल्ट नहीं होता है, लेकिन यहां पर कंडीशन है एट 1 एटमॉस्फेयर। अगर आपके पास H2O है तो H2O पता है किस स्टेट में होगा, सॉरी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 270 केल्विन पर ही हम आइस को मेल्ट कर दें, उसका एक तरीका है, क्या बढ़ा के, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ाओगे तो 270 केल्विन पर भी आइस मेल्ट हो सकता है। नॉर्मली हमें कहते हैं ना कि प्रेशर यानी मेल्टिंग पॉइंट है और इवन बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पर डिपेंड करते हैं, यस प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। तो इन केस ऑफ आइस प्रेशर बढ़ाने पर आइस 270 केल्विन पर मेल्ट हो जाएगा, यानी प्रेशर बढ़ाने पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये पर्टिकुलर इस वाले केस में ऐसा होगा, बाकी केसेस में नहीं होता। बाकी केसेस में प्रेशर बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बट आइस के केस में प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। किसी हायर प्रेशर पर इवन 270 केल्विन पर भी हम आइस को मेल्ट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली इसके लिए मैं बात करूं तो एज प्रेशर इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O सॉलिड नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर आते हैं, ली शटिलर के थर्ड पार्ट पर, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्जी। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्जी, एक कंटेनर कोई रिएक्शन हो रही है ऑलरेडी वो इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर है, अब हम उसमें कोई इनर्ट गैस डाल रहे हैं। इनर्ट गैस का मतलब ऐसा नहीं जरूरी आर्गन या हीलियम या यही हो, कोई सी भी ऐसी गैस जो कि जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है उनमें किसी के साथ रिएक्ट ना करे, वो सारी इसके लिए इनर्ट गैस होगी। तो अगर आप किसी कंटेनर में इनर्ट गैस डाल रहे हो तो क्या होगा। अब एक कंटेनर में इनर्ट गैस हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक कंटेनर में इनर्ट गैस हम ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है। लेट से ये कोई रिएक्शन है ए प्लस ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम पर है, इसका इसके मोल्स मान लो ए इसके बी और इसके सी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम इसमें इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, क्या होगा, किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड।
जनरली मैं जब एक क्वेश्चन क्लास में पूछता हूं तो आंसर यही आता है कि सर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? तो जवाब यह आता है कि सर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो, यानी पीछे की तरफ जाएगी। बट ये आंसर गलत है। क्यों गलत है वो समझते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, कंटेनर का वॉल्यूम वही है, टेम्परेचर वही है। अब आपने इनर्ट गैस ऐड की तो ना तो ए के मोल्स ऐड किए, ना बी के, ना सी के। कहीं पर भी हमने देखा इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्यों होता है, इक्विलिब्रियम क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे जो क्यू है वो के बराबर नहीं रहता है, क्यू चेंज हो जाता है, तो वापस क्यू किसके इक्वल होने की कोशिश करता है, के बराबर, जिसके कारण रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में जाती है या बैकवर्ड में जाती है, या तो फॉरवर्ड में जाती है या बैकवर्ड में जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है क्या यहां पर भी जो ये Q है क्या वो चेंज हो रहा है? अगर देखा जाए बड़ा सिंपल सा, तो ये B के मोल्स, ये C के मोल्स, ये A के मोल्स अपॉन 1/V, ना तो आपने A B C के मोल्स डाले, ना कंटेनर का वॉल्यूम चेंज किया, तो अभी भी Q तो वही है, अभी भी Q ये रेशियो इसके के बराबर है, यानी अभी भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, कुछ भी नहीं होगा, ना तो फॉरवर्ड में जाएगी ना बैकवर्ड में जाएगी, क्योंकि Q आपने चेंज नहीं किया। इनर्ट गैस आपने अगर डाली है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, आपने Q चेंज नहीं किया है, इसीलिए इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसा लगता है सर हां आपकी बात तो सही लग रही है इस एंगल से, लेकिन जो प्रेशर वाला एंगल है उससे नहीं समझ में आ रहा। चलिए प्रेशर वाले एंगल से भी मैं समझाता हूं। यहां पर क्या होगा अगर मैं केपी से समझूंगी, एक तरह से केसी से समझ, केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ। तो क्या अगर हम यहां पर एक इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं कंटेनर में, तो ए बी और सी के पार्शियल प्रेशर चेंज हो रहे हैं क्या? इससे सोचो, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं हर जगह कहता हूं पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के दो तरीके, इससे सोचो एन अपॉन वी आर टी। आपने ना तो सी के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो ना तो सी के मोल्स चेंज किए, ना कंटेनर के का वॉल्यूम चेंज किया, तो सी का पार्शियल प्रेशर तो चेंज नहीं होगा। हाँ टोटल प्रेशर चेंज होगा, लेकिन वो इनर्ट गैस के कारण बढ़ रहा है, इनर्ट गैस का प्रेशर ऐड हो रहा है। क्या इनर्ट गैस डालने से ए बी सी के प्रेशर चेंज होंगे क्या? नहीं, किसी भी गैस का प्रेशर उसके मोल्स और कंटेनर के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, नहीं होगा। यहां कंफ्यूजन होता है इससे जरूर, अगर आप इस वाले फॉर्मूले से सोचोगे तो कंफ्यूजन होता है सर टोटल प्रेशर तो बढ़ रहा है, अरे टोटल प्रेशर बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन भी कम हो रहा है, क्योंकि इनर्ट गैस के मोल्स भी तो काउंट होंगे, ये बढ़ा तो ये कम हो गया, लेकिन ये पीसी तो वही रहेगा। इससे मत सोचो, इससे सोचो पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ए का भी वही, बी का भी वही, सी का भी वही, इसीलिए इक्विलिब्रियम किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। हाँ डाउट ये आता है सर आपने तो कहा था टोटल प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम होंगे, तो मैं आपको बता दूं इसीलिए वहां पर मैंने हर जगह ये बोला कि टोटल प्रेशर हम कैसे बढ़ा रहे हैं, टोटल प्रेशर वहां पर हमने कैसे चेंज किया, वॉल्यूम को चेंज करके। और जैसे ही आपने वॉल्यूम को चेंज किया ये टर्म से बदल गई या ये वैल्यू बदल गई, जिसके कारण पार्शियल प्रेशर बदल गए। अगर आप वॉल्यूम चेंज करके प्रेशर चेंज कर रहे हो तो पार्शियल प्रेशर भी चेंज होंगे, और पार्शियल प्रेशर चेंज होंगे तो क्यू चेंज होगा, क्यू चेंज होगा तो रिएक्शन है तो फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी। लेकिन एक इनर्ट गैस ऐड करके अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर वही रहेंगे, तो इक्विलिब्रियम किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। इसीलिए मैंने वहां पर हर जगह आपको लिखा है टोटल एन इंक्रीज इन प्रेशर ब्रैकेट में लिखा है बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। तो ये हमेशा प्रेशर वहां पर अगर नहीं बता रहा, इवन होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि प्रेशर हम कैसे चेंज कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट मैं बोलता हूं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मतलब ये निकलता है वॉल्यूम कम कर रहा हूं, इनर्ट गैस नहीं डाल रहा हूं। अगर इनर्ट गैस डाल रहा हूं तो ये बोलूंगा कि इनर्ट गैस ऐड करके प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर लिख सकते हो आप इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन
बिकॉज पार्शियल प्रेशर रिमेन्स अनचेंज्ड. Partial pressure remains unchanged. लेकिन इसी में अब एक केस और आता है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अब हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पर इनर्ट केस डाल रहे हैं. अगर आपको प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है तो कंटेनर में क्या लगा होना चाहिए, पिस्टन लगा होना चाहिए. अब क्या होगा, आप इनर्ट केस डालोगे तो प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखना है तो पिस्टन ऊपर जाएगा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे ही वॉल्यूम चेंज होगा ये पार्शियल प्रेशर भी चेंज होगी, और यहां से आप कह सकते हो फिर से वही b into c upon a 1 by v, वॉल्यूम बढ़ेगा तो b और c की वैल्यू भी बढ़ेगी एंड रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी वही इफेक्ट होगा जो वॉल्यूम को बढ़ाने का होगा. यस, मैं आपको बता दूं, इनर्ट गैस ऐड करके आप वॉल्यूम बढ़ाओ या बिना इनर्ट गैस ऐड किए वॉल्यूम बढ़ाओ, दोनों का इफेक्ट सेम है. इफेक्ट वॉल्यूम बढ़ाने का हो रहा है, इनर्ट गैस का नहीं हो रहा है. अगर आप बिना इनर्ट गैस ऐड किए वॉल्यूम डबल कर रहे हो, इनर्ट गैस ऐड करके वॉल्यूम डबल कर रहे हो, दोनों का इफेक्ट सेम होगा. तो यहां पर बेसिकली आप कह सकते हो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जिस तरफ गैसेस के मोल्स ज्यादा होंगे. तो लिख सकते हो आप यहां पर टू कीप प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मस्ट बी इंक्रीज्ड therefore reaction moves in the direction which produces more moles of gases, more moles of gases. ठीक है, अच्छा, लेकिन यहां पर भी अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो कह सकते हो बी के मोल्स बढ़ेंगे, सी के मोल्स बढ़ेंगे और ए के मोल्स कम होंगे. व्हाट अबाउट पार्शियल प्रेशर, व्हाट अबाउट पार्शियल प्रेशर, बी के मोल्स बढ़ रहे हैं, सी के मोल्स बढ़ रहे हैं, ए के कम हो रहे हैं, तो बी और सी का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा बिकॉज वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट्स, वॉल्यूम वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा. तो यहां पर तीनों के पार्शियल प्रेशर या तीनों की कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तीनों का पार्शियल प्रेशर, तीनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगी, वही लॉजिक वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट्स. यहीं पर अच्छा, ये इनर्ट गैस वाला केस हो गया, और यहां पर मैं आपको बता दू ली शटलियर नहीं लगता, बिकॉज ली शटलियर तो बड़ा सिंपल सा कहेगा इनर्ट गैस डाल रहे हो तो सिस्टम वापस इनर्ट गैस को निकालेगा, वो तो हो ही नहीं सकता. तो यहां पर आप ली शटलियर से नहीं सोचोगे, ली शटलियर आप कहां सोचना है वो हर जगह मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, तो यहां पर ली शटलियर से आंसर नहीं आएगा. देन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बनता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं.
ये कोई एक रिएक्शन हो रही है, 2A प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू B। अगर मैं इसका Kc का एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो Kc का एक्सप्रेशन में आप कह सकते हो B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। वाटर सॉल्वेंट है, ये अपीयर नहीं होगा, सॉल्वेंट अपीयर नहीं होते, ठीक है। अब यहां पर अगर हम कंटेनर में और H2O ऐड करते तो क्या होगा, एडिशन ऑफ H2O। क्या होगा, रिएक्शन किस तरफ जाएगी? तो एक थॉट तो ये आता सर, H2O तो अपीयर हो ही नहीं रहा है, और अगर H2O अपीयर नहीं हो रहा है तो कुछ आपने H2O ऐड किया। जैसे सॉलिड अपीयर नहीं होता, अगर हम सॉलिड डाल रहे हैं या सॉलिड निकाल रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उसी तरह से H2O भी अपीयर नहीं हो रहा है तो उसको डालने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लॉजिकल भी लगता है, लेकिन यस यहां पर हम देखें तो H2O सिंस अपीयर नहीं हो रहा है तो H2O का जो डायरेक्ट रिएक्टेंट वाला जो इफेक्ट है वो नहीं लग रहा है, या प्रोडक्ट वाला इफेक्ट नहीं लग रहा है। लेकिन यहां पर जब आप H2O ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, A और B जिस वॉल्यूम में है वो तो चेंज हो गया ना, यानी इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई। जैसे यहां पर हुआ था, इनर्ट गैस हमने डाली कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, इनर्ट गैस का डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं था लेकिन इनर्ट गैस के कारण वॉल्यूम बढ़ गया। उसी तरह से यहां पर H2O का इफेक्ट नहीं आया बट H2O डालने से वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, वो आप यहां पर अगेन Kc का एक्सप्रेशन कह सकते हो, V अपॉन A का स्क्वायर क्या आएगा, 1 अपॉन V की पावर माइनस वन। यानी V कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यानी एक तरह से वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, यानी रिएक्शन किस तरफ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किस तरफ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक तरह से यूं मान लो, इसको यूं समझ लो कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, और आप उस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, आप उस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, रिएक्शन पीछे की तरफ आएगी, जिस तरफ केसेस के मोल्स ज्यादा है। जल्दबाजी में क्या लगता है बहुत, तो ऐसा लगता है H2O रिएक्टेंट ऐड किया, फॉरवर्ड में चली जाएगी। तो बहुतों को तो ये लगता है कि H2O मतलब रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं इसलिए फॉरवर्ड में जाएगी, वो गलत है। क्यों? क्योंकि H2O यहां अपीयर नहीं हो रहा है। तो ये लॉजिक। फिर दूसरा लॉजिक, बहुतों को ऐसा लगता है कि सर कुछ होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि H2O अपीयर ही नहीं हो रहा है, वो भी गलत है। H2O का इंपैक्ट आ रहा है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो यहां इनर्ट गैस का इंपैक्ट था वो यहां H2O का है। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, आप कह सकते हो इस चैप्टर के जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस है ना, जहां पर बहुतों को समझ में नहीं आता या गलत आंसर आते हैं, वो यही क्वेश्चंस है। तो चलिए अब आते हैं लास्ट फैक्टर पर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो देखो अभी तक जितने भी चेंजेस हमने किए ना, किसी में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। तो हमें यह देखना होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता। तो हमने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, केएफ अपॉन केवी, इसी को हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा। और इसी से हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, बिकॉज केएफ केवी तभी चेंज होते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो केएफ और केवी है ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं,
इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, ये हम दो तरह से निकालेंगे। एक थर्मोडायनेमिक्स की अप्रोच होती है और एक काइनेटिक्स की अप्रोच होती है। देखा जाए तो ये दोनों बहुत डिफरेंट अप्रोच है, बहुत डिफरेंट अप्रोच है थर्मोडायनेमिक्स की और काइनेटिक्स की अप्रोच। लेकिन ये एक ऐसा रिजल्ट है जिस देखा जाता है कि जहां पर दोनों मेथड, चाहे थर्मोडायनेमिक्स यूज करो चाहे काइनेटिक्स यूज करो, दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं, दोनों के रिजल्ट मैच करते हैं। ये कह सकते हो एक बहुत ही अजीब है, क्योंकि आगे चल के हम समझेंगे, क्योंकि अभी हमने काइनेटिक्स भी नहीं पढ़ी, अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है, तो अभी ये मुश्किल है हमारे लिए कि कैसे हम ये बात करें, कैसे थर्मोडायनेमिक्स अलग है काइनेटिक्स अलग है, तो ये सब बातें अभी नहीं समझ में आएगी। राइट नाउ जो हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं वो तो काइनेटिक्स से कर रहे हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स से भी बताऊंगा कि कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों अप्रोच बिल्कुल अलग है लेकिन दोनों के एंड रिजल्ट जो है वो सेम आते हैं। अभी बात करते हैं, तो ये जो KFKB है जिन्हें हम बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट, तो अकॉर्डिंग टू RMS इक्वेशन, RMS इक्वेशन, ये जो रेट कांस्टेंट होते हैं के इक्वल्स टू ए की पावर माइनस ए बाय आर टी। अभी हम इस इक्वेशन की डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये कहां से आई, क्या कैसे, इसका मतलब क्या है। अभी इस यहां पर हम केवल इतना डिस्कस करेंगे कि कौन सी टर्म हमें क्या बता रही है। तो ये के तो रेट कांस्टेंट है ही, ध्यान रखना स्मॉल के से लिख रहा हूं, ये कैपिटल के से मैं लिख रहा हूं, ये रेट कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये ए जो है इसके बहुत सारे नाम है, आरएमएस कांस्टेंट भी बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोला जाता है। EA, ये वर्ड कॉमन है, आप लोगों ने सुना भी होगा, EA इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। R कॉन्स्टेंट है 8.314 या 0.0821 जो भी आप चाहो, T टेम्परेचर है केल्विन में, वैसे यहां पर R ज्यादातर हम 8.314 ही यूज करेंगे। A और EA एज पर दी RMS, ये जो A और EA है These are temperature independent. ये temperature पे depend नहीं करते हैं। तो एक और लाइन, A and EA are temperature independent. A and EA are temperature independent. Temperature पे depend नहीं करते हैं। अब अगर किसी T1 टेम्परेचर पर अगर हमें रेट कांस्टेंट पता है, हम यहां से T2 पर भी निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या बता रही है कि टेम्परेचर के साथ ये रेट कांस्टेंट कैसे वेरी कर रहा है। इवन ये जो EA है इसको हम ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफिकली EA ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एक्चुअली हम कहते हैं कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर y एक्सिस पर है पोटेंशियल एनर्जी, x एक्सिस पर अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, यहां क्या है वो मैं आपको काइनेटिक्स में समझाऊंगा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि अभी अगर मैं लिख दूंगा तो सारा कॉन्सेंट्रेशन उस पर चला जाएगा जो कि अभी हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। तो बस y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी, हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, एक मैक्सिमम लेवल तक जाती है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है तो इसे बोला भी जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए। और अब इवन ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, रिएक्टेंट में भी हो सकता है, होता ही प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बनते हैं, रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट बनते हैं, बिकॉज इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, तो ये दोनों में कन्वर्ट होता है। यहां पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये बेसिकली ये एनर्जी है। इवन एक्टिवेशन एनर्जी भी दो तरह से डिफाइन होती है, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, अगर के फॉरवर्ड है तो ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और ये वाली जो होगी दैट इज बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी।
ये जो एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यहां लिखा हूं ये और ये कह सकते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच रिएक्शन, जो बोला जाता है एक रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है दैट इज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है यानी रिएक्शन होने पर एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी मतलब डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। यानी राइट नाउ ये जो कर्व मैंने आपको यहां पर बनाया वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का है, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर आपको कर्व बनाने के लिए कहा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कर्व इस तरह से आता है, ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच इसका नेगेटिव है। यस कह सकते हो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बैकवर्ड कम होती है, जबकि एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड कम होती है, बैकवर्ड ज्यादा होती है। इवन और भी टर्मिनोलॉजीज यहां पर यूज होती है, ये जो जीरो से लेके यहां तक की जो एनर्जी है, यहां से लेके यहां तक की, इसे बोला जाता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो यहां से यहां तक की, बट यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी उसे बोला जाता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अभी मैं इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जस्ट टर्म्स क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेटर ऑन मैं इस कर्व को भी एक्सप्लेन करूंगा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी हम यहां पर समझेंगे। इसके लिए पूरी थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस, जो कि हम काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे, वहां पर ये सब कुछ बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले करेंगे। राइट नाउ तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है वो हमें देखना है यहां पर। तो मैं इसका लॉग ले रहा हूं, एलन के इक्वल्स टू एलन ए माइनस ई ए अपॉन आर वन अपॉन बी। अब अगर ये फॉरवर्ड या लॉग लेने से पहले थोड़ा वापस पीछे आते हैं, इस एक्सप्रेशन को मैं दो बार लिखा हूं, ए एफ के एफ इक्वल्स टू ए एफ ई टी पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड क्रॉस जस्ट के एफ इक्वल्स टू ए एफ ई टी पावर माइनस ई एफ अपॉन आर टी के बी इक्वल्स टू ए बी e की पावर माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, के एफ अपॉन के बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एफ अपॉन के बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ए बी ई की पावर माइनस ई ए बैक फॉरवर्ड माइनस और ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा एच। तो ई ए एफ अपॉन ए बी ये हो गया के इक्विलिब्रियम, ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। अब मैं इसका लॉग ले रहा हूं, एल एम के इक्वल्स टू एल एफ ए एफ अपॉन ए बी माइनस डेल्टा एच अपॉन आर वन अपॉन टी। अगर हमें किसी T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 है, और किसी T2 टेम्परेचर पर K2 है, AF AB चेंज नहीं होंगे, ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी हमने कहा कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर भी एक तरह से यही आ गया कि डेल्टा एच भी नहीं करेगा।
इसमें पॉइंट है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये अजम्पशन सही नहीं है, बट आरएनएस के अकॉर्डिंग, आरएनएस के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, तो ये एस पर दी आरएनएस है, अदरवाइज आगे चल के हम देखेंगे कि डेल्टा एच जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, बट आरएनएस के अकॉर्डिंग अभी हम बात करें प्योरली तो 1/T2। अब डिफरेंस ले लें इसका, तो यहां लिखता हूं तो ln K2 अपॉन K1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा H अपॉन R 1/T1 -1 दिस माइनस दिस किया तो ये प्लस हो गया T1 वाली टर्म। दिस इक्वेशन इज नोन एज वन टॉप इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज वन टॉप इक्वेशन, जिसका यूज क्या है, अगर आपको किसी T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट पता है K1 तो T2 पर आप सॉरी किसी T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो यहां से आप किसी T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। यस, आपको डेल्टा एच पता होना चाहिए, डेल्टा एच आपको पता होना चाहिए वो फाइंड आउट करना और वो गिवन होगा। अब अगेन यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होगा, तो लेट्स से एक रिएक्शन है जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये वैल्यू पॉजिटिव है और उसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी T2 T1 से ज्यादा, तो T2 ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी यानी ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव इसका मतलब क्या हुआ, ln K2 अपॉन K1 पॉजिटिव, अगर ln K2 अपॉन K1 पॉजिटिव है इसका मतलब K2 अपॉन K1 की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी यानी K2 K1 से ज्यादा होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो, और यही अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ये डेल्टा एच नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड कम ये बैकवर्ड ज्यादा, ये डेल्टा एच नेगेटिव, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो राइट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड नेगेटिव मतलब यहां पर ln K2 अपॉन K1 ये नेगेटिव है, इसका मतलब K2 अपॉन K1 1 से कम है यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब हर एक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड में नहीं जाती है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड में जाती है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है अगर आपने उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो और बैकवर्ड में आएगी, मतलब उनका जो अल्फा है उनका जो एक्सटेंट है वो कम हो जाएगा। तो अगर आपको एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक्सटेंट बढ़ाना है तब तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए, बट एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आप अगर आपको एक्सटेंट बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ा के नहीं टेम्परेचर कम करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक्सटेंट की बात हो रही है, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं यहां पर स्पीड की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, स्पीड क्या होगी कितनी देर में प्रोडक्ट बनेगा, 1 आवर 2 आवर 10 आवर्स 20 आवर्स 20 ईयर्स क्या लगेंगे उसकी बात ही नहीं हो रही, हम यहां पर यह बात करेंगे जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कंटेनर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, अल्फा क्या होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वो मैंने आपको यहां पर बताया, एंडोथर्मिक में क्या होता है एक्सोथर्मिक में क्या होता है, क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर बनते हैं, फॉर्मूला है, समटाइम्स कैलकुलेशन अच्छी खासी हो जाती है क्योंकि लॉग की टर्म भी है 1/T की टर्म भी है तो वो डेटा पर भी डिपेंड करता है, तो वो प्रैक्टिस होनी चाहिए आदत होनी चाहिए, स्पेशली टेम्परेचर 273 373 इनमें डील करने की आदत होनी चाहिए ताकि अगर इस तरह का डेटा भी है तब भी हम आसानी से कैलकुलेशन कर सके। तो दिस इज अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, और अब आप बड़ा सिंपल सा कह सकते हो
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है तो रिएक्शन और फॉरवर्ड में जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। यहां पर क्यू नहीं चेंज किया, जैसे आपने टेम्परेचर चेंज किया क्यू चेंज नहीं हुआ, के चेंज हो गया, वापस अब क्यू के बराबर आने की कोशिश करेगा। अगर के बढ़ गया तो क्यू भी बढ़ेगा, के कम हो गया तो क्यू भी कम होगा। कुछ अलग से न्यूमेरिकल्स नहीं, फॉर्मूला सामने है, उसमें वैल्यूज पुट करनी होगी, इसीलिए कुछ ऐसा स्पेशल न्यूमेरिकल नहीं कि मैं आपको करूं। हाँ, बस कैलकुलेशन है वो आपको यहां पर पता होनी चाहिए। और इसी के साथ एक और पार्ट भी आता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट था, कैटलिस्ट जब हम यूज करते हैं तो मैं आपको बता दूं कैटलिस्ट क्या करता है। ये जो कैटलिस्ट होते हैं एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये जो रेट कांस्टेंट है जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा था KAe−EA/RT, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिसके माइनस है ये कम होगी तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है जिसके कारण स्पीड बढ़ जाती है। तो एक तो कैटलिस्ट यूज करने पर हम ये कहते हैं कि रिएक्शंस की जो है वो स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। बट राइट नाउ हमारा डिस्कशन स्पीड का नहीं, हमारा डिस्कशन है एक्सटेंट पर क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा या कम होगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि अल्फा कब चेंज होगा, जब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट में कुछ चेंज आएगा। तो क्या चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पर वो देखते हैं। तो यहां पर लेट से पहले जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, और कैटलिस्ट यूज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी लेट से एक्स से कम होगी। तो के एफ डैश की अगर मैं बात करूं तो AF-E−EA−X/R। कैटलिस्ट यूज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी एक्स से कम हो गई तो EA−X लिख दिया। अब इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सॉरी ये A चेंज नहीं होता, ये वही रहेगा, केवल एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुई। तो AF-E·EA·RT, ब्रैकेट ओपन कर दिया और E·X/RT। इसको वापस से क्या लिखा जा सकता है, के एफ लिखा जा सकता है। तो के एफ डैश क्या हो गया, के एफ इंटू E·X/RT। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रेट कांस्टेंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, यानी स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अब यहां पर ये हमने फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट की बात की है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की कम हो रही तो बैकवर्ड की भी तो कम हो रही है। तो अगर आप ये एक्सप्रेशन KB-डैश के लिए निकालोगे बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के लिए तो वो भी यही है, KB-KB·EA·X/RT। क्योंकि फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है तो बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हुई है। अब अगर हम इसका रेशियो लें तो KF-KB·KF·KB, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF-KB- कैटलिस्ट यूज करने पर या कैटलिस्ट यूज नहीं करने पर दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा, के डैश की वैल्यू अभी भी के के बराबर है। मतलब अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो रिएक्शंस फॉरवर्ड रेट भी बढ़ती है, बैकवर्ड रेट भी बढ़ती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, लेकिन जो अल्फा होगा जो एक्सटेंट होगा वो तो अभी भी वही होगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक लाइन हम यहां पर लिख सकते हैं, ए कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम
स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वो तो जहां आना है वही आएगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में लिख लो दैट इज अल्फा, बट ब्रैकेट क्लोज, बट हेल्प्स इन अटेनिंग इट रैपिडली, बट हेल्प्स इन अटेनिंग इट रैपिडली, ये जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है। अदरवाइज अल्फा यानी एक्सटेंट में कोई चेंज नहीं होगा, अल्फा पहले 30% था अभी भी 30% रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के साथ ही डिस्कस करते हैं, तो ये नई हेडिंग नहीं है, बट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हमने डिस्कस किया और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी हमने यहां पर डिस्कस किया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ली शेटलियर प्रिंसिपल कि कैसे हम किसी रिएक्शन का अल्फा बढ़ा सकते हैं, किसी रिएक्शन का अल्फा कम कर सकते हैं, वो हमने यहां पर डिस्कस किया। तो मेनली चैप्टर में आप कह सकते हो जो थ्योरी पार्ट था एक पहले था, दूसरा पार्ट आप ये कह सकते हो, एक छोटे मोटे और पार्ट्स हैं कह सकते हो, कुछ न्यूमेरिकल्स है अलग अलग तरह के, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।